यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर से उठाया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसे भरते और दुख से चिल्लाते हैं उनके माथों पर चिन्ह कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना, और मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगन को लोथों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इसराइल के सब बचे हुओं को भी नाश करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इसराइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं कि यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता, इसलिए उन पर दया न होगी न मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ